हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखलाने वाले हैं लाल गोपालगंज की मार्केट। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखलाते हैं क्या नज़ारा है, क्या मार्केट है वहाँ की। देख सकते हैं लाल गोपालगंज की मार्केट है पूरी, और इसे लाल गोपालगंज बोला जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो माता को चुनरी वुंदरी उड़ाने के लिए ले जाते हैं भक्तगढ़, सब यही लाल गोपालगंज से सप्लाई होती है। हर धामों में बहुत ही सस्ती चुनरी मिलती है यहाँ पे। इसको देखिए, इसको कितना प्यारा कलर लग रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, अपने गुरुजी की दुकान पे आ गए हैं, और ये लाल गोपालगंज की बहुत मशहूर दुकान है। तो आप देख सकते हैं, दिखला रहे हैं जो माता वगैरह की चुनरी चढ़ती है, हर धामों में यही सप्लाई होती है। आप देख सकते हैं कितने गट्ठर गट्ठर लगे हैं मैया की कृपा से, और सब ये माता को चढ़ती हैं। तो आप यहाँ आके चुनरी वगैरह सब ले सकते हैं, आपको थोक में भी मिल जाएगी, फुटकर में मिल जाएगी। जैसे फ्रेंड्स, हम लाल गोपालगंज से घर निकल रहे हैं, और मैं आपको अपनी मार्केट दिखाई यहाँ की लाल गोपालगंज की। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनरी वगैरह मिलती है जो माता रानी को चढ़ती हैं। और हम चल रहे हैं इस समय घर, की रात होने वाली है। तो आप देख सकते हैं, यही है लाल गोपालगंज जो हमने आपको वीडियो में दिखाया। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ गाँव से 35-40 किलोमीटर जो पड़ता है लाल गोपालगंज, और यहाँ पे बहुत भी आईपी और अच्छी चुनरियाँ मिलती है माता रानी चढ़ाने के लिए। तो जैसे फ्रेंड्स आपने देखा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बात और, देर से व्लॉग आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ।